हे एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी है शाम के टाइम है, शाम के 3:30 के आसपास हो रहा है, 3:30-4 के आसपास ही हो रहा है। तो चलिए, मैं मेरा वीडियो को अभी से ही शुरू करती हूँ। और मैं आज आपके साथ एक पिलअप मास्क जो यूज करके दिखाऊंगी। तो चलो आपको ये बता देती हूँ, एवरोथ का जो एडवांस गोल्डन ग्लो ऑरेंज पिलअप मास्क है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं सोची कि चलो आज टाइम है तो आपके साथ यूज करके भी दिखा देती हूँ। और ये पिलअप मास्क कितना अच्छा होता है, नहीं होता है, ये आपके सामने रिजल्ट होगा। और उस दिन मैं लाई थी, 15 रुपीज़ में ये एक पाउच आ जाता है। तो चलो इसको आप यूज करके देखेंगे। मैं सुनी थी कि अगर आप यूज करो तो जो उसको निकालने के बाद बहुत ही दर्द होता है। तो चलो आज वो एक्सपीरियंस भी लेंगे। और फेस पे जो बेबी हेयर, जो छोटा छोटा हेयर होता है ना, वो भी शायद निकलता है। तो चलो क्या होता है क्या नहीं, आगे देखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। और अगर सजेशन में कुछ आप वीडियो देखना चाहते हो, सजेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जी, अगर मैं देखूंगी कि वो मेरे से पॉसिबल हो रहा है तो मैं वो वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो चलो लेट्स स्टार्टेड। और ये पिलअप मास्क मेरे पास है तो मैं इसको ऐसे ही पहले ओपन कर लूंगी। एक ऑरेंज ऑरेंज सा जो स्मेल आ रहा है, तो ऐसे ये है, देख सकते हो। पहले यहाँ से फेस के ऊपर से, मेरा काला टीका के ऊपर से ही मैं, और आप अगर यूज कर रहे हो तो इसको आँख से दूर ही रखना। रेडी हो गई हूँ। आप रेडी नहीं, लगा के पूरा कंप्लीट हो चुका है। लगा के पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अब वेट करते इसके सूखने के लिए और घड़ियां आ रहे के दर्द लेने के लिए। देखती हूँ क्या होता है। तो
वेट करते। सो गाइस ये मेरा पूरा सूख चुका है, आप लोग देख सकते हो। इधर से थोड़ा सा चिपचिपा है, लेकिन इधर से भी सूख गया है और पूरा सूख गया है। मुझे पूरा अपना फेस पूरा टाइट लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि पूरा टाइट से बंधा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। और पूरा टाइट होके रहा है मेरा फेस अभी, तो दर्द लेने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये मैं रखी हूँ फिलहाल के 10 मिनट तक के, फिर 10 मिनट में सूख गया उसका अंदर, मैं ये लगा के फिर मेरे बेटे को भी खिला दी हूँ। अभी तक नेक पे है तो थोड़ा सा कम हो रहा है दर्द। किसी को इंस्टेंट मतलब कुछ लगानी है पैक वगैरह तो ये सही है, 15 रुपये में आप लाके लगा भी सकते हो। और ग्लो तो बात का बात है, आपके सामने पता चल जाएगा। कटुची मेरा बेटा बोल रहा है दर्द हो रहा है। एक होता ना चिड़चिड़ होके जो आपको लगता है जैसे वैसे वाला फील है। ओह माय गॉड, चलो इधर से निकल के आ जाओ। प्लास्टिक सर्जरी हुआ था मेरा जो अभी निकल रहा है, देखो। इधर से थोड़ा सा छोड़ देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूँ क्योंकि गीला, इधर थोड़ा सा ज़्यादा लग गया शायद, तो अभी इधर से शुरू करती हूँ। क्या लग रहा है, सांप जैसे कि अपना स्किन चेंज करती है ऐसे वाला फीलर है। आउच, पूरा खतरनाक दर्द है। इसको आप मिनी वैक्स भी बोल सकते हो, वैक्स से इतना ही दर्द होता है। वैक्स क्या है ना, तो लगाओ आप सबसे स्ट्रिप को उठाओ, लेकिन ये तो थोड़ा थोड़ा ही करके दर्द हो रहा है। ओ माय गॉड, चलो क्या बोलते हैं, डर के आगे जीत है। और ये हमारा दर्द के आगे ग्लो है, देखो तो सही क्या ग्लो आ रहा है। बोल नहीं कर रहे फिर भी कितने बात कर रहे हो ना। वो ऐसे लग रहा है जो छोटे छोटे जो बेबी हेयर है वो पूरा उखड़ के ही आ रहा है। ओह माय गॉड, कितना दर्द है, क्यों दूर लगानी है, क्यों दर्द खानी है बोलो। ज्यादा दर्द तो यहाँ होगा। ओह माय गॉड, इतना दर्द। अब ऐसे फस मतलब ऐसे झट से के भी नहीं उठा सकते, देखो तो इतना यार ग्लो आया है। मेरा बेटा बैठ के बोल रहा है काटुची दर्द हो रहा है। ओह मेन पार्ट हो गया। अभी आंखों के जो ए साइड में भी बहुत दर्द होता है। नाक, मेरा नाक उठ रहा है, देखो। इतना धक्के हुआ है देखो, लेकिन अच्छा लग रहा है, पूरा मतलब क्लीन लग रहा है ना।
तो इतना भी हम लोग निकल लेते हैं। ओ Oh my God, finally. ये है मेरा पूरा मास्क, ये इतना बड़ा तो मुंह है, देखो आप लोग मुंह कौन सा है। ओ नहीं, ये आंख है, ये आंख है, ये मेरा नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा मास्क है। ऐसे निकल के आया, और सच बोले तो थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, हाथ टच करने से थोड़ा सा मतलब स्मूथ भी लग रहा है। तो चलो मैं थोड़ा सिर पे खाली पानी से थोड़ा सा वॉश करके ही आती हूँ, वॉश करके ये जो छोटा मोटा लगा है ये सब छुड़वा के फिर आपसे मिलती हूँ आके। सो मैं वॉश कर ली हूँ और मैट लिपस्टिक इसीलिए नहीं गया है और सिर्फ पानी से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा फेस थोड़ा सा क्लीन हो चुका है, और 15 रुपया में कितना क्लीन करेगा यार, इतना तो काफ़ी है 15 रुपया में बजट के हिसाब से। फिर तो चलो मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है और मैं अभी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लूँगी, मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट निविया का। फिर ये जो बिंदी है भी लगा लूँगी, और हेयर भी ठीक है, और फोम वगैरह भी नहीं करूँगी, ऐसे ही चली जाऊँगी पार्लर। तो चलो गाइस ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा मेरा दर्द भरा वीडियो, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चैनल को आप अगर नए देख रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय बाय।